ओम शांति। आज की तारीख है 24/3/23 और आज की ज्ञान मुरली। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर है, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बनेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्री मत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। नंबर 2 है, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसीलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। स्लोगन है, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः ही आपके सामने आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।